सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको डिवाइस की इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग्स में आता हूँ, यहाँ पर अबाउट सेक्शन के डिवाइस में आता हूँ। आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मोबाइल की डिटेल्स यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं इसमें ये रियलमी 11 प्रो 5G स्टोरेज, आप देख सकते हैं 256 GB मीडियाटेक डायमेंसिटी का प्रोसेसर एंड बाकी एंड्रॉइड वर्जन 13, 8 GB रैम, बाकी 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी, बाकी कैमरा वगैरह आप डिटेल देख सकते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर। सो अब मैं आता हूँ यहाँ पर ग्राफिक्स सेटिंग्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सपोर्ट करता है BGMI का इस डिवाइस में। तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलता है, मतलब 60 FPS पर आपका गेम चलने वाला है। तो चलिए अब यहाँ पर BGMI का टेस्ट करते हैं गेम का। सबसे पहले TDM की गेम, फिर यहाँ पर क्लासिक मैच वगैरह सब कुछ आपको दिखाऊंगा, बाकी यहाँ पर डिवाइस का पूरा रिव्यू आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। यहाँ पर बाकी जो भी परफॉर्मेंस कितना का ड्रॉप डाउन रहा है सब कुछ आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। काफी अच्छी शुरुआत। ओ भाई साहब, एक स्प्रे में दो ले गया, शानदार। यहाँ पर बहुत ही शानदार बड़े किल, हेडशॉट बोलते पट से नारियल तोड़ दिया। सो एक मैच तो हो गया यहाँ पर TDM का कंप्लीट। यहाँ पर तो कोई भी FPS टॉप डाउन पहले मैच में तो देखने को नहीं मिला, तो काफी अच्छा गेम स्मूथ चल रहा था। तो आप पढ़ते हैं एक और सेकंड मैच में। ओ भाई साहब, क्या ही गजब रिफ्लेक्स देखे, AWM चिपका दिया। एक और शानदार बैक टू बैक AWM का पावर दिखती हुई आपको। ब्यूटीफुल अगेन, और ट्रॉपिक जिगल जिगल काम आया, और शानदार एक और यहाँ पर M4 का वार, AWM प्लस M4 कोमो, शानदार। ये ले सबक सीख, कैंपिंग करता है। ओ भाई साहब, क्या ही किल निकाला है, क्राउच क्राउच एंड हेडशॉट, एक एम पावर बोलते अगेन, हेडशॉट बोलते, क्या ही शानदार है किलो से बैटरी इसमें। एक और ले गया पीछे से, टकले में दिया हेडशॉट, किल बटोरा, बहुत ही बढ़िया जंप शूट एंड फायर। यहाँ पर स्लाइड करती है बहुत शानदार तरीके से, एक और यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पर 3 किल्स यहाँ पर निकाल लिया बहुत ही शानदार तरीके से। फिर से आया और यहाँ पर पिक्सल पी देखे, यहाँ पर रवाना किया, यहाँ पर रोबी में जैसे आया जैसे यहाँ पर तुरंत रवाना किया, बहुत ही शानदार यहाँ पर किल निकलते हुए, यार शानदार कॉम्बो चलता हुआ फाइनली। यहाँ पर बहुत ही शानदार यहाँ पर स्मूथ गेम प्ले चल रहा है, मजा आ रहा है पर खेलने में, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है पर 60 FPS कॉन्स्टेंट गेम चल रहा है। यहाँ पर आगे जाता हूँ, घर से बाहर नहीं आ रहा है, ऑफलाइन वाले को ढेर करता हूँ यहाँ पर, उसको डैमेज दिया, ये देखिए अंदर होल्ड कर रहा है उसको तुरंत फ्रेंड्स किया। अब यहाँ पर बदला लेने के लिए बाहर आएगा, लेकिन नहीं भाई, पर हाथ में AKM लेके बंदू भी मतलब तैयार नहीं, पर थोड़ा सा जिगल जिगल क्राउड यहाँ पर उसके सामने लड़की और इसके साथ यहाँ पर विक्ट्री होती हुई, और बहुत ही शानदार खेल निकले हुए। यहाँ पर MVP देख सकते हैं मैं ही बनाऊँ, यहाँ पर तो बहुत ही शानदार है, मजा गया इस डिवाइस में खेलने में। गाइस, दो मैच यहाँ पर TDM के खेल चुका हूँ, तो यहाँ पर तक यहाँ पर कोई भी FPS ड्रॉप डाउन देखने को मिला, किसी प्रकार का कोई भी लैग देखने को नहीं मिला, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर TDM में फिल्म देखने को मिला। तो अब बढ़ते हैं क्लासिक मैचेस की ओर। अब आता हूँ क्लासिक मैच में, पेड़ के पीछे एक बंदा, इसका ध्यान था एक बोर्ड की ओर, लेकिन तभी मैं फ़ायदा उठाता हूँ, इसको भी लपेटता हूँ और बोर्ड को भी लपेटता हूँ। यहाँ पर फ्री के 2 किल्स मेरे को मिल जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं बोर्ड कभी कभी आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं और कभी कभी बुरे भी साबित होते हैं। तो बोटों से सतर्क रहें एंड सावधान रहें। सो अभी उतरेंगे अपन यहाँ पर हॉट ट्रॉपी, यहाँ पर लैंडिंग करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो उतर चुका हूँ, फिर उतरते फिर चाहिए बंदूक, यहाँ पर आसपास बंदे भी उतर चुके हैं ढेर सारे, यहाँ पर हाथ पे बंदूक आ चुकी है, बंदा भागता हुआ और पीछे से इसको डैमेज पड़ता है, लेकिन एक दूसरा बंदा यहाँ पर देखिए यहाँ पर पागल हो गया, यहाँ पर कराड़ा लेके पीछे पड़ जाता है, लेकिन उसको भी यहाँ पर जंप देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से उसको भी यहाँ पर नॉक कर देता हूँ। तो 2 किल उतरती है यहाँ पर अपने हो चुके हैं, एक बंदा और आया, लेकिन यहाँ पर वो भाई साहब क्या गजब यहाँ पर घूम के दे दिया, बहुत ही शानदार किल। सो अब वहाँ का निपटारा करके यहाँ पर आगे आता हूँ। तो यहाँ पर एक बंदे को मैं ऑलरेडी नॉक कर चुका हूँ, तो काफ़ी देर वेट किया मैंने कि इसका टीममेट आएगा बचाने, लेकिन फाइनली इसका टीममेट आ जाता है यहाँ पर, और अब मैं उसको यहाँ पर ट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए किस तरह से वो वाका वाका होके आ रहा है, यहाँ पर हाथ में उसके है क्रॉसबो, मतलब अलग ही गजब लेवल का प्रो प्लेयर दिख रहा है, यहाँ पर वाका वाका खेल रहा है, मैं भी अलग लेवल का थोड़ा यहाँ पर वेटिंग गेम खेल रहा हूँ, क्या करता है देखते अपन। ओ भाई साहब, पिस्तौल निकाल दी, और इसी के साथ मेरा भी यहाँ पर इसका खात्मा यहीं ख़त्म करता हूँ, दोनों भेड़े हो रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा इनके सामने यहाँ पर बंडेज वगैरह लगाता हूँ। सो अभी यहाँ पर इनकी तरफ से मैसेज आता है हेलो हेलो, तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर माइक को यस करता हूँ तो यहाँ पर मेरा साउंड चला जाता है, तो यहाँ पर वो सारी भाई बात वगैरह करता हूँ यहाँ पर, तो
चलो मैं इनको छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मारता वारता नहीं होती है। फिर पूछते हैं भाई हाय हेलो कैसे क्या हो फलाना ढिमकाना सपूरी, यहाँ पर बात करते हैं कैसे हो फलाना। मैंने सब ठीक सब मज़ा में सब बढ़िया, हाँ बस बढ़िया चल रहा है काम धंधा वो सब बढ़िया चल रहा है। एक बंदा मर गया तो यहाँ पर बैंडेज वेंडेज लगा रहा हूँ, बात बात चल रही है। तो अब यहाँ पर चलो यहाँ पर बहुत हो गया, अपना मेन फोकस पर बिल्कुल बिल्कुल अब पढ़ते हैं आगे कैंप लगे। और सो एक और न्यू मैच स्टार्ट होता है, मैं वापस से लैंडिंग करता हूँ हॉट ड्रॉप पर। तो एक और मैच स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर मैं लूट कर ही रहता हूँ, लेकिन तभी मेरे साथ ये होता है। ओ भाई साहब शुक्र है मेरे हाथ में बंदूक थी, नहीं तो ये दोनों कराड़ से मेरे इतने घट्टे करते दोनों सब्जी बना के ये भी खा जाते। शुक्र है मेरे हाथ में बंदूक थी और दोनों को यहाँ पर उल्टा दाव इन पर पड़ गया। सो इन दोनों का डब्बा मैंने यही बनाता हूँ। अब बढ़ता हूँ आगे, आसपास ढेर सारे बंदे हैं। सो अब आगे आता हूँ, ऊपर एक बंदा ऑलरेडी DBS लेके भारी भरकम कैंपिंग कर रहा है। ओ भाई साहब जैसे उसके शॉट मिस हुए, यहाँ पर AKM के शॉट मिस कभी नहीं होते। यहाँ पर ऑटो गन वर्सेस DBS यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर अब यहाँ पर मैं वेट करता हूँ, इसका कोई टीममेट वगैरह कोई आवे तो यहाँ पर इसको पहले फिनिश नहीं करता हूँ, वेट करता हूँ। लो भाई साहब लगे यार इसका टीममेट भी आ गया और इसको लगे यार फिनिश भी करता है, तो इसको यहाँ थोड़ा मैं ट्रोल वगैरह भी करूँगा यहाँ पर थोड़ी देर, क्योंकि काले वो लोग यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीरो बनते रहते हैं। ये देखिए कैसे इधर उधर दौड़ रहा है, इसकी लूट यहाँ पर फेंक रहा। सो बहुत वेट कर लिया, अब और कोई नहीं आ रहा, नॉर्थ कोई इसका टीममेट आ रहा है, अब इसकी बारी है। फाइनली इसकी भी पेटी बना दी। सो उधर पेटियाँ बनाने के बाद आ गया हूँ। ओह भाई साहब नेक्स्ट लेवल गेम पर भाई, खड़े खड़े यहाँ पर कैंपिंग कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि मैं तो मार ही देगा यहाँ पर, लेकिन मैं भी यहाँ पर चौकन रहता हूँ यहाँ पर, कैंपर वगैरह को फटाफट यहाँ पर फिनिश ही कर देता हूँ। सो एक और हॉट ड्रॉप का मैच स्टार्ट होता है, उतरते ही मेरे को UMP-45 मिल जाती है। और सामने देखिए मतलब क्या सोच के ये क्या करते हैं, ये उतरते ही मतलब कैंपिंग। अब ये देखो ये उतरते ही उधर अंदर घुसना चाह रहा था, लगता है बंदूक बंदूक नहीं, बंदूक लूटने के लिए अंदर जा रहा था, लेकिन रास्ते ही मैंने पकड़ लिया शानदार स्प्रे UMP-45 का। अब यहाँ पर आसपास और सारे बंदे हैं यहाँ पर, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और बंदों की ओर। सो इधर एक बोट को निपटाता हूँ और सामने एक बंदा भी है, तो यहाँ पर उस पर तुरंत रश कर देता हूँ। सो शानदार तरीके से इसको यहाँ पर निपटाता हूँ, नो करके इंस्टेंटली फिनिश भी कर देता हूँ। इसका टीममेट आ रहा है सामने, अब देखो इधर आ रहा था लेकिन यहाँ पर पीठ बता के वापस भाग रहा था, तो यहाँ पर पीछे इस पर मैंने लपट लिया। अब आगे आता हूँ, अब आपको दिखने वाला है एक प्रो प्लेयर। ओ भाई साहब प्रो प्लेयर, ये कौन सा प्रो प्लेयर आपको है? यही तो प्रो प्लेयर भाई, डब्बे के पीछे छुपना और एकदम से निकलना बाहर और बंदों को मारना, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा होता है क्योंकि मेरे हाथ में है बहुत ही तगड़ा डिवाइस। एक बंदा हो रहा है शानदार तरीके से, लेकिन उतने ही शानदार तरीके से मैंने उसको रवाना किया। सो अब मैं बनता हूँ क्रिश, सुपर नेचुरल पावर मेरे में आ चुकी है। यहाँ पर ऊपर आता हूँ, नीचे पुष्टे बारा बंदा यहाँ पर कैंप कर रहा है, इस पर लैंड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बंदा क्या कर रहा है नीचे, यहाँ पर नेक्स्ट लेवल कैंपिंग लग रहा होगा, बाहर से आएगा, लेकिन मैं आ जाता हूँ खिड़की से और देखिए ये सीन, ये ले टपाटप तरीके से दी है लाते गुस्से से, यहाँ इसकी पेटी बनाई और इसी के साथ शानदार अपने हो जाते हैं पूरे के पूरे 7 किल। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अजीब नशे, ये देखिए मतलब बंदा आया ब्रोकन वॉल पर भी यहाँ पर मतलब कूद के आ रहा है, क्या ही गजब का दिमाग है, शानदार शानदार मज़ेदार वाला दिमाग। अब ये फाइट देखिए, ओ भाई साहब गजब तरीके से यहाँ पर बहुत ही तगड़ा प्रो प्लेयर दिख रहा था गाइस, यहाँ पर जिगल जिगल दिया, लेकिन यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा तीर निकला यहाँ पर। सो गाइस ये तो था गेम प्ले, तो अब बात करते हैं डिवाइस की परफॉर्मेंस की। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर TDM के मैच आपको खेल के दिखाया, उसमें कोई भी FPS ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिला। यहाँ पर फिर देन मैंने यहाँ पर क्लासिक मैच खेल के देखा, यहाँ पर मतलब 5 से 6 मैच तकरीबन यहाँ पर मैंने हाईलाइट वगैरह आपको दिखाया है यहाँ पर, तो इसमें भी कोई भी FPS ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिला। फोन ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ज़्यादा FPS ड्रॉप डाउन देखने मिला, गेम बिल्कुल स्मूथ चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ही अच्छा तगड़ा डिवाइस है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा रहेगा गेमिंग के लिए, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर 60 FPS कॉन्स्टेंट पर देखने को मिल रहा है। बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, तो कभी मज़ा आया इस डिवाइस में खेलने का, तो बहुत ही अच्छा है तगड़ा डिवाइस है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो कर देना है लाइक, अगर आप चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक मुझे जाग दीजिए, जय श्री कृष्ण।